हेलो एवरीवन, मैं दिशा चतुर्वेदी एक बार फिर से हूँ आप सबके साथ। इस वीडियो में मैं मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल बताने जा रही हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने परफॉर्मेंस अप्रेजल की डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, उसके बेनिफिट्स, उसकी प्रोसेस इसके बारे में बताया। प्रोसेस करते वक्त जब परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं, आज मैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। बट आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि इसी की तरह अन्य वीडियोस आपसे मिस ना हो। जो मेथड्स होते हैं उनको अलग अलग स्कॉलर्स ने अपनी अपनी तरीके से डिवाइड किया है, लेकिन जो सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है दैट इज ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स। ये जो क्लासिफिकेशन किया है ये स्ट्रॉस एंड सेल्स के द्वारा किया गया है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनमें कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ऐसे मेथड्स, रैंकिंग मेथड्स, पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, ग्रेडिंग मेथड, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्स चॉइस मेथड, चेकलिस्ट मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, ग्राफिक स्केल मेथड एंड फील्ड रिव्यू मेथड आता है। जबकि जो मॉडर्न मेथड्स हैं उनमें मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल्स या बार्स, तीसरा असेसमेंट सेंटर्स मेथड, फोर्थ वन इज 360 डिग्री अप्रेजल मेथड एंड द फिफ्थ वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड आते हैं। सबसे पहले कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट की बात करते हैं जो कि एक ट्रेडिशनल मेथड है। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एम्प्लॉय का इमीडिएट सुपरवाइजर एक रिपोर्ट जनरेट करता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस की, जिसमें वो एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उसके अचीवमेंट, फेल्योर, पर्सनैलिटी और उसके बिहेवियर की एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट तैयार करता है। ये एक सब्जेक्टिव मेथड है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्टिविटी का अभाव है। सब्जेक्टिव का मतलब कि जो इसमें अप्रेजल होता है वो एक सिंगल अप्रेजर के द्वारा होता है, जिसमें कि जो कि एक ह्यूमन बीइंग है, जिसमें कि पर्सनालिटी बायसेस हो सकते हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है, उसके अपने कुछ कंसेप्शन, अपने अजम्पशन, अपने परसेप्शन हो सकते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉय को जज करता है, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के बायसेस कहलाते हैं। और जो अगर रिपोर्ट में मौजूद है तो वो रिपोर्ट अपनी ऑब्जेक्टिविटी को खो देती है। तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल की ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन नहीं रख पाती। इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है कि इस रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, यानी कि एम्प्लॉई को कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाता है, जिस वजह से इस मेथड की क्रेडिबिलिटी काफ़ी लो है। इसके अलावा एम्प्लॉयज ये नहीं जान पाते कि उनकी परफॉर्मेंस में कहाँ पर स्ट्रेंथ और कहाँ पर वीकनेसेस रही हैं, जिस वजह से वो उस इम्प्रूवमेंट का काम नहीं कर पाते। इसके अलावा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट का मेन फोकस एम्प्लॉय के प्रमोशन और ट्रांसफर एस्पेक्ट पर रहता है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को इस मेथड में इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। जो ऐसे मेथड है ये भी ट्रेडिशनल मेथड है और जस्ट लाइक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, लेकिन इसमें जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो एक लॉन्ग ऐसे के रूप में प्रिपेयर की जाती है। ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। इसके अलावा इस मेथड में भी जो इवेल्यूएटर है वो बायस्ड हो सकता है, क्योंकि इसमें भी सिंगल इवेल्यूएटर के द्वारा परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जा रहा है, इसमें भी पर्सनालिटी बायसेस उपस्थित रह सकते हैं। ये मेथड भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का कोई ऑब्जेक्टिव और साइंटिफिक मेथड नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रेजल करते वक्त इवेल्यूएटर में क्या क्या बायसनेस हो सकती हैं इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी, सो बी ट्यून टू माई चैनल। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। ये काफ़ी सिंपल मेथड है, जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे होते हैं उनको उनकी वर्थ के अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रैंक प्रोवाइड कर दी जाती है। जिस तरीके से एक क्लास में स्टूडेंट्स को रैंक दी जाती है, इसी तरीके से स्टेट रैंकिंग मेथड में भी इसी तरीके से रैंक प्रोवाइड कर दी जाती है। ये काफ़ी सिंपल मेथड है। ये मेथड भी अगेन सब्जेक्टिव है और उसमें प्री डिफाइंड मेजर नहीं होते परफॉर्मेंस को मेजर करने के। जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की संख्या काफ़ी ज़्यादा है उस ऑर्गेनाइजेशन में रैंकिंग मेथड को यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज़ पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। पेयर्ड कंपैरिजन मेथड में प्रत्येक एम्प्लॉय को अन्य प्रत्येक एम्प्लॉय के साथ में कंपेयर किया जाता है और उसके बाद में एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। जैसे कि जो एम्प्लॉय ए है उसको बी से कंपेयर किया जाएगा, सी से कंपेयर किया जाएगा, डी से और ई से कंपेयर किया जाएगा। उसी तरीके से जो एम्प्लॉय बी है उसको ए से कंपेयर किया जाएगा, सी से कंपेयर किया जाएगा, डी से, ई से और एफ से। जो एम्प्लॉय सी है उसको ए से कंपेयर किया जाएगा, बी से कंपेयर किया जाएगा, डी से, ई से और एफ से। इस तरीके से प्रत्येक एम्प्लॉय को प्रत्येक एम्प्लॉय के साथ कंपेयर किया जाएगा। इसमें जो पॉसिबल पेयर्स होते हैं उसका फॉर्मूला ये है। ये काफ़ी
टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इस मेथड को यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एडिशनल मेथड में जो अन्य मेथड है वो है ग्रेडिंग मेथड। ग्रेडिंग मेथड जस्ट लाइक जब क्लास में एक ग्रेड बना देते हैं कि ए प्लस ग्रेड में इतने परसेंटेज से इतने परसेंटेज के बीच में जो बच्चे हैं वो आएंगे, ए ग्रेड में ये इतने परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स आएंगे, बी प्लस में इतने परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स आएंगे, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशन में भी ग्रेड्स क्रिएट कर दिए जाते हैं और उसके कुछ अपने मानक निर्धारित किए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को उन ग्रेड्स में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड में ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही डिफाइन कर देता है कि जो टोटल 100% एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 10% को पुअर की कैटेगरी में रखना है, 20% को बिलो एवरेज में, 40% को एवरेज में और 20% को गुड में एंड बाकी बचे 10% को एक्सीलेंट की कैटेगरी में रखना है। तो ये जो इवेल्यूएटर होता है लिए ये कंपलसरी हो जाता है उसको प्रत्येक कैटेगरी में एम्प्लॉयज़ को फिट करना ही करना है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो इवेल्यूएटर को उनमें से किसी एक एम्प्लॉय को पुअर की कैटेगरी में फिट करना होगा, किन्हीं 2 एम्प्लॉयज़ को बिलो एवरेज कैटेगरी में, किन्हीं 4 एम्प्लॉयज़ को एवरेज की कैटेगरी में, किन्हीं 2 एम्प्लॉयज़ को गुड की कैटेगरी में और किसी एक एम्प्लॉय को एक्सीलेंट की कैटेगरी में करना होगा। इस फ्रिक्वेंसी कर्व को बेल कर्व का नाम दिया जाता है और इस फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को टिफिन ने इवॉल्व किया था। जो इवेल्यूएटर की टेंडेंसी होती है कि ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को वो एक ही कैटेगरी में फिट कर देते हैं, इस सेंट्रल टेंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड को इवॉल्व किया गया। नेक्स्ट मेथड है फोर्स्ड चॉइस मेथड। फोर्स्ड चॉइस मेथड जेपी गिलफोर्ड के द्वारा डेवलप किया गया था। जिस तरीके से फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में एम्प्लॉयज़ को फोर्सली उन्हीं कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है जो कि पहले से दी हुई हैं, उसी तरीके से फोर्स चॉइस मेथड में जो स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को डिफाइन करने के लिए जो दी हुई चॉइसेस हैं, 2 या 3 जो भी चॉइसेस हैं उन्हीं में से इवेल्यूएटर को टिक करना होता है। इसके अलावा उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता जिसको कि वो अपने आप से मेंशन कर सके। अगर पूछा गया है कि जो एम्प्लॉई है वो हमेशा रेगुलर रहता है तो उसमें चॉइस में अगर दिया गया है यस और नो, तो इवेल्यूएटर को सिर्फ या तो यस पर टिक करना होगा या नो पर, वो नॉट एप्लीकेबल या फिर समटाइम्स इस तरीके की किसी चॉइस को फिल नहीं कर सकता। ये भी एक सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें भी बायसनेस आ सकती है। इवेल्यूएटर अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो चॉइसेस हैं उन पर टिक कर सकता है। चेकलिस्ट मेथड में एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और उनके आगे चेक बॉक्सेस होते हैं। एप्लीकेबल चेक बॉक्स में टिक लगाकर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जस्टिफाई किया जाता है। ये भी सब्जेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट ट्रेडिशनल मेथड है क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। इस मेथड में जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है वो जॉब में उन क्रिटिकल सिचुएशन इवेंट्स को नोट डाउन करता है जिनमें एम्प्लॉयज़ ने कुछ सामान्य दिनों से हटकर कुछ स्पेशल टास्क परफॉर्म की हो। इन टास्क में उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसका बिहेवियर कैसा रहा, इन सबको वो सुपरवाइज़र नोट डाउन करता है, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन करता है। ये अन्य मेथड्स के मुकाबले में थोड़ा साइंटिफिक है, लेकिन चूँकि इसमें भी डिस्क्रिप्टिव मेथड है सो और सिंगल सुपरवाइजर इसको रेट कर रहा होता है, सो इस मेथड में भी परफॉर्मेंस अप्रेजल की बायसेस के उपस्थित होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। इसके अलावा जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाना, उसके अकॉर्डिंग सभी एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को मेजर कर पाना काफ़ी टफ वर्क है। जब जॉब में कोई क्रिटिकल इंसिडेंट्स उपस्थित ना हुए हों ऐसे केस में इस अप्रेजल मेथड का कोई रिलेवेंस नहीं रह जाता। अब नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ ग्राफिक स्केल मेथड। इस मेथड में एक प्रिंटेड फॉर्मेट प्रोवाइड करा दिया जाता है इवेल्यूएटर को। ग्राफिक रेटिंग स्केल परफॉर्मेंस अप्रेजल का वो मेथड है जिसमें कि इवेल्यूएटर को जो प्रिंटेड फॉर्मेट दिया जाता है उसमें प्रत्येक एम्प्लॉय की इफेक्टिव परफॉर्मेंस को जज करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी ट्रेट्स और बिहेवियर हैं उनको मेंशन कर दिया जाता है और उन ट्रेट्स के अगेंस्ट में एम्प्लॉय को रेट करना होता है। एम्प्लॉय को रेट करने के लिए 2 रेटिंग स्केल्स का यूज़ किया जाता है, कंटिन्यूस स्केल का और डिसकंटिन्यूस स्केल का। ये कंटिन्यूस ग्राफिक रेटिंग स्केल का एग्जांपल है। कंटिन्यूस स्केल पर न्यूमेरिकल टर्म्स में यानी 0 से लेकर 5
नंबर्स पर एम्प्लॉयज़ को रेट किया जाता है और लास्ट में जाकर इन सभी रेटिंग्स का टोटल कर दिया जाता है। ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफिक रेटिंग स्केल का उदाहरण है, जिसमें न्यूमेरिकल फॉर्म्स की बजाय चेक बॉक्सेस होते हैं जिनमें अलग अलग चॉइसेस होती हैं और जिन पर इवेल्यूएटर को टिक करना होता है। ये मेथड भी सब्जेक्टिव मेथड है क्योंकि इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटेड क्राइटेरिया को मेंशन नहीं किया गया है। फील्ड रिव्यू मेथड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या किसी प्रोफेशनल इवेल्यूएटर के द्वारा किया जाता है, जो कि स्वयं एम्प्लॉयज को इवेल्यूएट ना करके उनके सुपरवाइजर के द्वारा एम्प्लॉयज का इंटरव्यू दिलवाते हैं। सुपरवाइजर इंटरव्यू लेते समय एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, उनकी स्पेशल परफॉर्मेंस, उनके बिहेवियर, इन आदि सभी चीज़ों का एक लिस्ट बनाता है, जिसको कि फाइनल इवेल्यूएशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर या जो भी प्रोफेशनल इवेल्यूएटर है उसको उस ड्राफ्ट को दिखाया जाता है। देन वो कंसर्न इवेल्यूएटर उसको फाइनली अप्रूव करता है। चूँकि इस मेथड में दूसरे मैनेजर का भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, सो सुपरवाइजर की जो पर्सनल बायसेस हैं उनको रिड्यूस कर सकता है ये मेथड। अब हम बात करते हैं उन मॉडर्न मेथड्स की जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यानी MBO मेथड की। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वो मेथड है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं या जो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट ने जॉइंटली कॉमन गोल्स आइडेंटिफाई किए होते हैं, जॉइंटली जिन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया होता है उन पर उन्होंने क्या रिजल्ट दिया उसको मेज़र किया जाता है और उसी के थ्रू अप्रेजल किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का श्रेय पीटर ड्रूकर को जाता है। दूसरा है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिनको कि बार्स कहते हैं। बार्स वो मेथड है जिसमें ग्राफिक रेटिंग स्केल और क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, जो कि ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, इनके कॉम्बिनेशन को ही बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल कह सकते हैं, जिसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके से मेज़र किया जाता है। क्वालिटेटिव यानी कि क्रिटिकल इंसिडेंट्स को कवर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही जो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, जो परफॉर्मेंस रही है उसको मेज़र किया जाता है और मेज़र की हुई परफॉर्मेंस को रेटिंग स्केल पर परफॉर्म किया जाता है। ये अन्य मेथड्स के मुकाबले काफ़ी साइंटिफिक और इम्प्रूव्ड मेथड है। इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी एक्सपर्ट और ट्रेन पर्सन इन्वॉल्व रहते हैं, सो ये काफ़ी रिलायबल है, बट ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। इसके अलावा ये मेथड एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि जो इंसिडेंट क्रिटिकल इंसिडेंट्स के टाइम पर एक्टिविटी की गई है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि जो एक्चुअल में रिजल्ट्स आए हैं उस पर। अप्रेजल का दूसरा मॉडर्न मेथड है असेसमेंट सेंटर मेथड, जिसमें एम्प्लॉयज़ को असेसमेंट सेंटर में ले जाकर उनका असेसमेंट किया जाता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टास्क दी जाती हैं जिनको कि परफॉर्म करने के लिए बोला जाता है और उनके थ्रू उनको असेस किया जाता है। असेसमेंट सेंटर नॉर्मली आउटसोर्स किए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी जगह पर जाकर एम्प्लॉयज़ का असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट सेंटर मेथड का ज़्यादातर उद्देश्य एम्प्लॉय को प्रमोशनल एस्पेक्ट से देखना होता है कि वो प्रमोशन होने पर जो दिए गए टास्क हैं उनको कैसे परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट मेथड है 360 डिग्री अप्रेजल मेथड, जिसमें एम्प्लॉय का इवेल्यूएशन उसके साथ में काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ के द्वारा किया जाता है। इसमें उसके सुपीरियर शामिल होते हैं, टीम मेंबर शामिल होते हैं, उसके साथ में काम करने वाले, उसी लेवल पर काम करने वाले पीयर शामिल होते हैं, उसके अंडर में काम करने वाले सबॉर्डिनेट शामिल होते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड कस्टमर अपना व्यूज देते हैं, एम्प्लॉय से रिलेटेड सप्लायर और वेंडर्स भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड इवेल्यूएशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो ये 360 डिग्री अप्रेजल की टेक्निक काफ़ी अनबायस्ड टेक्निक है, क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का इवेल्यूएशन कई सारे लोगों के द्वारा किया जाता है, जिसमें एम्प्लॉय स्वयं खुद का इवेल्यूएशन करता है, एम्प्लॉय का सुपीरियर उसका इवेल्यूएशन करता है, एम्प्लॉय के सबॉर्डिनेट करते हैं, टीम मेंबर्स करते हैं, उसके पीयर्स करते हैं, कस्टमर और सप्लायर के द्वारा भी उसका इवेल्यूएशन किया जाता है। सो ये काफ़ी साइंटिफिक, वैलिड, रिलायबल और अनबायस्ड टेक्निक है, और आजकल जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उनमें 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का यूज़ काफ़ी प्रोमिनेंटली हो रहा है। नेक्स्ट मॉडर्न मेथड है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड या कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, जिसमें एम्प्लॉय की वर्थ और उसकी रैंकिंग का पता, एम्प्लॉय को हायर और ट्रेन करने में जो कॉस्ट आई है और एम्प्लॉय ने जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके बीच के अंतर से लगाया जाता है। यदि एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि एम्प्लॉय की वर्थ पॉजिटिव में है
अगर एम्प्लॉय के द्वारा दिया हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन उसकी कॉस्ट से कम है, दैट मीन्स एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्थफुल नहीं रहा। सो नाउ आई हैव कवर्ड ऑल दी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स इन दिस लेक्चर। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।